आइए देखा जाए एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन इन टेक्स्ट से। ठीक है, इन टेक्स्ट 1.1 है सॉलिड स्टेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है व्हाई आर द सॉलिड्स रिजिड, सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो बड़ा ही आसान है, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही समझने लायक है बच्चों। यहां जानना जरूरी क्या है कि रिजिडिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी। हिंदी में कठोर बोलते हैं इसको, कठोरता क्या होती है, रिजिड क्या होता है। तो रिजिड किसी भी मैटर में दो कारण से मेनली आता है, ध्यान दो यहां पर। पहला कारण होता है बच्चों इंटरमॉलिकुलर स्पेस, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, ये जितना कम रहेगा उतना रिजिडिटी हाई रहेगा। ठीक है, दूसरा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जितना ज्यादा रहेगा, जितना इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहेगा उतना इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ज्यादा बनेगा। और दोनों ही जब बातें होंगी तो ऑलरेडी है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेंगे। दैट मीन्स ये होगा बच्चों कि जैसे कि यहाँ सॉलिड के बारे में बात करें तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, आप जान ही रहे हो। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है तो लेस कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि फिक्स्ड है, पार्टिकल में फिक्सिंग आ गया। जहां पार्टिकल फिक्स्ड हो गया, लेस कंप्रेसिबिलिटी आ गया, वहां पर आपका जो है रिजिडिटी बढ़ जाएगा। वही लिक्विड के बारे में बात करें, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं जिसके कारण से इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, घट जाता है। इसके कारण से इसमें थोड़ी सी फ्लूइडिटी आ जाती है। अगर यहाँ पर हम गैस के बारे में बात करें तो गैस के पार्टिकल जो होते हैं और ही दूर दूर होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में गैप भी अधिक हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। जब फोर्स कम हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पर फ्लूइडिटी मैक्सिमम हो जाएगी, रिजिडिटी मिनिमम हो जाएगी। तो व्हाई आर द सॉलिड्स रिजिड, इसका आंसर फाइनली क्या मिला हम लोगों को, तो यहाँ पर आंसर मिला बच्चों कि सॉलिड्स रिजिड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होते हैं। ठीक है ना, तो इट इज ड्यू टू लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आप आंसर परफेक्ट लिख सकते हो इस तरह समझ करके। और इस प्रकार से यहां पर ये भी हमें समझ में आ गया कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। ठीक है, तो इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है हम इंडिस्क्रिप्ट दे रहे हैं, जरूर देख लीजिएगा।